हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर हायर मैथमेटिक्स के साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जहां पर मैंने CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। और स्टूडेंट, मैंने अभी 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है जिसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। और स्टूडेंट, अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो ये चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, यहाँ पे जो IIT बार है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख लीजिए जहां पर मैंने ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी अरेंजमेंट है एंड देन स्टूडेंट न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रिमेनिंग टॉपिक्स भी मैं अभी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। और स्टूडेंट, जो स्टूडेंट यहाँ पे CSIR नेट फिजिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल फिजिक्स। तो अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स के यहाँ पे वीडियोज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ITIP पे जाके आप मेरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन बोल रहा है जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इफ AB बी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। स्टूडेंट यहाँ पे जो AB है वो डायमीटर दे रखा है सर्कल का एंड कॉर्ड CD इज द परपेंडिकुलर टू AB। स्टूडेंट यहाँ जो CD कॉर्ड है ये परपेंडिकुलर है इस AB पे। इफ CP इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये आपको दे रखा है 2, है ना, यहां से यहां तक की लेंथ आपको 2 दे रखी है एंड PB इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये आपको 1 दे रखा है, क्लियर है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी। मान लीजिए कि सर्कल की रेडियस क्या है, एक्स है ना। मान लीजिए हमने सर्कल की रेडियस क्या मान ली, एक्स मान लिया ना। ये इसका सेंटर है, ये इसका ओ सेंटर मान लेते हैं और ये इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, ये एक्स मान ली। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसमें अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ऑब्वियसली यहां से यहां तक डिस्टेंस भी एक्स होगा। पर स्टूडेंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको 1 दे रखी है और ये टोटल एक्स है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा हमारे पास, एक्स माइनस 1 होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे ये 1 और ये ऐड करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, आई मीन एक्स डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब इसको एक्स माइनस 1, अब आप देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है चूंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। तो इन ट्राइंगल आप देखिए, इन ट्राइंगल OPC देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम देखते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दिया आएगा, स्टूडेंट OC स्क्वायर कितना आपके पास एक्स है, देन OP हमारे पास कितना है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड देन ये कितना आएगा स्टूडेंट, CP हमारे पास 2 है तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। स्टूडेंट इसको खोल दीजिए आप, ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये आएगा 4। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 2x मैं इस तरफ लेके आ जाता हूँ तो स्टूडेंट आएगा 2x इज इक्वल टू 5, देन एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ रहा 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए आप क्वेश्चन, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है CSIR नेट जून 2015 में पूछा गया, व्हाट इज द एंगल एक्स इन द स्कीमेटिक डायग्राम गिवन। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को हम समझे तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट इसको मैं एक्स थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बढ़ा देता हूँ, राइट। अब आप देखिए स्टूडेंट, ये हम जानते हैं ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, हम जानते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 130 से दिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी 180 होगा, ये लाइन है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री हो जाएगा। और स्टूडेंट जो अंदर वाला ट्राइंगल आप देखिए, ये ट्राइंगल को देखिए आप, हम जानते हैं अंडर इस तीनों ट्राइंगल के जो एंगल होता है उसके सम होता है 180 डिग्री। स्टूडेंट ये 50, ये 50, 100 हो गए, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा 80 डिग्री होगा। स्टूडेंट अगर ये 80 डिग्री हो गया और हम जानते हैं ये लाइन है हमारे पास, तो ये एंगल कितना होगा 100 डिग्री होगा। अरे भाई तभी तो हमारे पास 180 बनेगा, ये 100 डिग्री है और स्टूडेंट ये वापस 130 से दिए कितना आएगा 50। तो भैया एक ट्राइंगल के आपने इस ट्राइंगल को मैं वापस बना देता हूँ, स्टूडेंट ये ट्राइंगल में वापस बना देता हूँ, तो ये हमारे पास पता पड़ गया 100 डिग्री। स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास पता पड़ गया 50। भैया टोटल 180 होता है यार, 100 और 50 कितना हो गया 150, तो ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देखते ही समझ में आ रहा है, राइट। और ये एटीट्यूड डेवलप करिए ना, अगर CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में अगर आप थ्योरम लगा रहे हैं या एंगल सम कर रहे हैं तो भैया टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टू अंट्स इनिशियली एट डायमेट्रिकली अपोजिट टू इच अदर। दो यहाँ पे चीटियां हैं, अंट्स हैं जो डायमेट्रिकली एक दूसरे के अपोजिट है, राइट, ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर स्टार्ट क्रॉलिंग टूवर्ड्स इच अदर। ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, राइट। द पॉइंट एट विच आपसे पूछा जा रहा है, द स्पीड ऑफ द वन एट ए इज हाफ, आपकी जो ए पे जो है इसकी स्पीड हाफ है किससे, बी से। मतलब अगर ये टू चलता है
तो ये कितना चलेगा, वन चलेगा। मतलब ये कहना चाह रहे इसकी जो स्पीड है वो ये है कि वो उसकी स्पीड इससे हाफ है, तो वो टू चलेगा, तो ये कितना चलेगा, वन चलेगा। द पॉइंट एट विच दे मीट इट एट ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ दिस, आपको ये मतलब बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगे, तो जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को मिलेंगे उससे एक ए से उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगी। स्टूडेंट इस ए से आपको उसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि भैया इसकी, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं आपके, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होगी। मतलब आपसे ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये डिस्टेंस क्या होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मान लीजिए कि ये जो सर्कल है आपके पास, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो भैया ये आर दे रखा है आपको, क्लियर, रेडियस आर गिवन है, राइट। मैं इसका सेंटर ओ मान लेता हूं, ओके जी। अब समझने की कोशिश करें, अब चूंकि इसकी स्पीड टू है और इसकी स्पीड वन है ना, तो भैया ऑब्वियसली ये किसी न किसी एक पॉइंट पर आके मिलेंगे, है ना। तो हम जानते हैं कि यहां से यहां तक आने में कितना डिग्री एंगल करेगा ये, देखो अगर मैं आपसे ये बात करूं तो यहां से यहां तक आने में टोटल कितना डिग्री चलेगा, 180 डिग्री चलेगा, 180 डिग्री चलेगा, राइट, 180 डिग्री चलेगा। अब देखो आप बोलोगे सर ये तो इसके ऊपर चल रहा है, पर एंगल तो 180, अगर सेंटर से हम बात करें तो 180 डिग्री एंगल चलेगा, राइट। अब देखो यहां पे इसकी ये दो चलेगा और ये एक चलेगा, तो टोटल दोनों मिलकर कितना चलेंगे, तीन चलेंगे, और 180 डिग्री है, राइट, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री चलेगा, अगर ये 60 डिग्री चलेगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर ये 60 डिग्री चलेगा, ये 60 डिग्री चलेगा, तो ये कितना चलेगा, 120 डिग्री चलेगा। अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे ये 60 डिग्री चलेगा तो ये 120 डिग्री चलेगा, मैं इसको हटा देता हूं यार, ये क्यों लिखा मैंने, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर ये 2 चल रहा है और ये 1 चल रहा है, इसका मतलब ये 120 डिग्री चला, तो ये कितना चलेगा, 60 डिग्री चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब समझने की कोशिश करिए, ये हमारे पास आर है, हम जानते हैं ये भी हमारे पास क्या है, आर है, क्लियर है, ये आर है। अब हम जानते हैं कि ये अगर आर है और ये अगर आर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए ये एंगल एक्स है और ये एंगल एक्स है, और हम जानते हैं एक 60 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, और बाकी दो एंगल एक्स एक्स है। भैया हम जानते हैं कि टोटल 180 होता, और 180 में से 60 गया तो 120 बचा, और 120 ये दोनों सेम एंगल है, तो ऑब्वियसली 60-60 डिग्री होंगे। और अगर 60-60 डिग्री होंगे भैया, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भैया यहां से यहां तक इसकी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, आर होगी, और हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आप समझो ये टू डिस्टेंस चल रहा है, ये वन डिस्टेंस चल रहा है, तो ऑब्वियसली 120 डिग्री तय करेगा, ये 60 डिग्री तय करेगा, राइट, 120 डिग्री तय करेगा तो ये 60 डिग्री आएगा, और ये दोनों रेडियस रेडियस है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मानते हैं हम, है ना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और ये दोनों एंगल सेम और ये 60 डिग्री है, तो भैया दोनों एंगल सेम है और ये 60 डिग्री है, तो हमारे पास x भी 60 डिग्री आ जाएगा, और तीनों एंगल सेम हो जाएंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल से तीनों डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर होगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीएसआर नेट जून 2015 में पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स ऑफ बेस एरिया 25x48। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसका बेस बेस आपको दे रखा है। स्टूडेंट ये बॉक्स है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देता हूं, ये हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स का बेस आपको दे रखा है, ये बेस है, राइट, आपको दे रखा है 24x48। सुनिए 24 है और ये हमारे पास कितना है, 48 है, राइट, दिस इज 48। सुनिए कितना हमारे पास, 48 है, राइट, ये 48 है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब आपको क्या पूछा जा रहा है, इन विच द लॉन्गेस्ट स्टिक कैन बी कैप्ट इट 56 मीटर लॉन्ग। आपसे यहां पे क्या कर रखा है कि यहां पे एक 56 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक स्टिक रखी हुई है ना, लॉन्गेस्ट स्टिक रखी हुई है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट निकालो, इस बॉक्स की हाइट निकालो, राइट। तो मैं आपको थोड़ा ज्ञान दे देता हूं कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए आप। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं तो ये बॉक्स का मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, चलो ऐसे ही ले लेता हूं, है ना, तो ये बॉक्स ऐसा होगा, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, ये बॉक्स ऐसा होगा, क्लियर है, ये बॉक्स ऐसा होगा, क्लियर। अब इसमें एक स्टिक रखी है हमने, क्या रखी है, स्टिक रखी, राइट, और वो जो स्टिक है उसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 56 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है, मतलब ये जो यहां से यहां तक एक स्टिक रखी हुई है ये ऐसे दे रखी है ना, इस स्टिक की जो लेंथ है हमें वो कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इज इट ओके और नॉट? प्लीज आप समझ में आ रहा होगा मुझे जो समझाना चाह रहा हूँ, या आप इस स्टिक को आप ऐसे ही बना लो, ये भी बात सही है, स्टिक को आप ऐसे ही बना सकते हो, आप ऐसे बना लो ज्यादा अच्छा रहेगा, यूं बना लो, है ना, ये स्टिक आपके पास। गेटिंग? अब आप समझने की कोशिश करिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वही पहुंचना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास ये दे रखा है, तो आपको ये एच निकालना, मतलब इसकी हाइट निकालनी, इसकी हाइट क्या होगी इस बॉक्स की,
ठीक है। तो वैसे तो सिंपल सा एक फार्मूला है इसका कि अगर हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड साइज का बॉक्स है तो उसके अंदर जो उसका डायगोनल होता है उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, राइट, है ना, मतलब डायगोनल की लेंथ होती है। बट इसको आता कैसे मैं थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। इसमें आप देखिए, अगर ये हम बात करें नीचे वाला इसकी बेस की बात कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट। इसमें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसका जो बेस है इस बेस को मैं ये दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, क्योंकि ये हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल होगा। अरे बेस के अंदर 90 डिग्री एंगल होता है ना, नीचे बेस बनेगा तो 90 डिग्री एंगल, तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहाँ पे, 24 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर आएगा भैया, ये आएगा, है ना, ये इसके बेस की हाइट लेंथ होगी, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके पास हाइट है जिसको आप निकालना चाह रहे हो और ये हमारे पास बेस है, कितना बन रहा है, अंडर रूट ऑफ कितना रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, 24 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर आ रहा है, राइट। अब आपके पास ये डायगोनल है, ये डायगोनल है स्टूडेंट, हम जानते हैं 90 डिग्री एंगल होगा और आपको इसके इस डायगोनल की लेंथ कितनी देर की, आपको 56 गिवन है, है ना, तो आपको एच निकालना, राइट। देखो ये बेस है और ये डायगोनल, राइट, और ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल होगा, हम जानते हैं, है ना, ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं एच है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर स्टूडेंट एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना आएगा स्टूडेंट, 24 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 56 स्क्वायर। मैंने यही तो बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, तो जेड एच मान लीजिए, उसकी वैल्यू किसके बाद होती है, डायगोनल का लेंथ के स्क्वायर, तो वही फार्मूला आता कैसे मैंने आपको समझा दिया, राइट। अब आप देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको एच की वैल्यू निकालें, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ, स्टूडेंट एच की वैल्यू निकालें, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को उधर पहुंचा दीजिए आप, तो ये 56 स्क्वायर, स्टूडेंट 56 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 7, सॉरी स्टूडेंट अभी क्या लिख सकते हैं इसको, 50, चलो एक बार अपन कर सकते हैं इसको, 56 स्क्वायर माइनस, मैं इसको दे ले गया, तो माइनस का 24 स्क्वायर एंड माइनस का 48 स्क्वायर, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो ये कैलकुलेशन कभी कभी भारी पड़ जाती है, तो मैं स्टूडेंट को ट्रिक समझाना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट, यहाँ 56 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 56, है ना, माइनस ये आएगा 8 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 या 24 माइनस स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, देखिए तो 8 स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, अंदर कितना बचेगा आपके पास, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट स्टूडेंट, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, 7 स्क्वायर की वैल्यू 49 होती है, माइनस 9 माइनस 36, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट स्टूडेंट, आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 स्क्वायर प्लस हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट 36 एंड 9, है ना, तो 45 आएगा, तो स्टूडेंट ये 4 आएगा यहाँ पे हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, राइट। स्टूडेंट हम क्या करते हैं इसको, 8 हमारे पास कितना आएगा, 64 हो जाएगा, है ना, 64 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 256, स्टूडेंट क्या आएगा, 256 आएगा, एंड हम जानते हैं 256 का जो अंडर रूट होता है ना, इसका अंडर रूट ले लेंगे हम, क्योंकि एच स्क्वायर की वैल्यू 256 आ रही है, हम जानते हैं स्टूडेंट किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा, तो ये जो बॉक्स है इसकी हाइट कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 2015 में पूछा गया जून में स्टूडेंट, क्या होता रहा, एन इंक्लाइंड प्लेन रेस्ट अगेंस्ट एन हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लेन है, ये एक हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्टिक लगा रखी है ना, रेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, है ना, इस पे सिलेंडर पे हमने क्या करा है, ऑफ रेडियस आर, ये जो सिलेंडर इसका रेडियस आर है, इफ द प्लेन मैक्स एन एंगल विथ ऑफ 30 डिग्री, सुनिए 30 डिग्री है, प्लीज करेक्ट कर लीजिए, सुनिए 30 डिग्री एंगल है ना, दिस इज 30 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द प्लेन विद द सिलेंडर इन इज ऑफ इज अ इज एट अ हाइट ऑफ, स्टूडेंट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक प्लेन है और ये एक सिलेंडर, अरे भाई सुनो मेरी बात, ये एक सिलेंडर है और ये एक प्लेन है ना, ये सिलेंडर ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये एक प्लेन रखा हुआ है यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये प्लेन है जो इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, क्लियर है, तो आपको ये पता लगाना है कि ये किस हाइट पे इसको ये इसकी ये हाइट निकाल ली, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल ली, क्लियर है, ये प्लेन है, ये प्लेन मतलब इस टाइप का एक प्लेन रखा हुआ है, यानी हमने प्लेन रखा है जो इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है ना, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है आपको, आर दे रखी है ना, रेडियस क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, आर कैपिटल आर दे रखी है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, तो आपको यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, चलो मैं बताता हूँ, है ना, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, सॉरी यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है, देखिए आप, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ वापस, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, सुनिए यहाँ पे आपको दे रखा है ये, हाँ जी यहाँ पे आपको रेडियस आर दे रखा है, अब मैं डायग्राम समझा दिया मैंने, अब आपको बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन पार्ट समझाना चाहता हूँ, इसमें ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, क्या यार क्या हो रहा है ये, स्टूडेंट देखिए एक मिनट, थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, स्टूडेंट ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट,
अब आप समझने की कोशिश करिए हमारे पास क्या हो रहा है, ये इस एच की वैल्यू निकाले, मैं इसे एच को हटा देता हूँ एक बार कैलकुलेशन पॉइंट को भी से। अब आप देखिए ये आ रहे हैं हमारे पास, समझना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ। स्टूडेंट हम देखिए ये आ रहे हैं, तो स्टूडेंट ये भी आ रही होगा, तो स्टूडेंट ये लेंथ भी आ रही होगी, तो भैया आपको ये टोटल लेंथ निकालनी है ना। तो हम जानते हैं इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको एक्स, तो मेरे को यहाँ पे एच निकालना, तो हम जानते हैं एच की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस आर होगी, ये तो आपको समझ में आ गया होगा है ना भैया। ये टोटल आर डिस्टेंस निकाल, ये टोटल डिस्टेंस निकाल ले है ना, तो हम जानते हैं ये आर है, तो ये भी आर होगा और ये एक्स है, तो स्टूडेंट एक्स प्लस आर हो जाएगा राइट। अब हमें एक्स निकालना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ये टेंजेंट है जो इस सर्कल पे हो रही है, तो स्टूडेंट ये टोटल एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, स्टूडेंट ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है राइट है ना। और स्टूडेंट हम जानते हैं ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो भैया ये वाला देखो 30 और 90, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। अरे यार ये वाला एंगल देखिए आप, ये वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। मैं बताऊँ ये 30 है, 60 और ये 90 है, भैया 30 है 90 है, तो ये 30 60 होगा और ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री होता है, ये 30 होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एंगल कितना होगा 30 डिग्री और ये मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ राइट। तो अब ये 30 डिग्री होगा, चलो मैं इस डायग्राम में समझाता हूँ, ये 30 डिग्री हो गया हमारे पास और ये x की वैल्यू निकाल दें हमें, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लीजिए आप, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल देखिए आप, हम लेते हैं ओ पी ई, आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, स्टूडेंट ये 90 डिग्री है, तो ये इसका बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये इसका क्या होगा हाइपोटेनियस होगा राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए राइट। अब x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री से आपको ई पी चाहिए, क्या चाहिए ई पी चाहिए राइट, ई पी चाहिए मतलब आपको बेस चाहिए। तो स्टूडेंट हाइपोटेनियस दे रखा और बेस चाहिए, तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा, कॉस का लगता है, याद है ना, कॉस क्या होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस राइट। तो कॉस थीटा, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस यहाँ पे थीटा कितना 30 डिग्री है, तो कॉस 30 इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस राइट। स्टूडेंट बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, बेस हमारे पास कितना है एक्स और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना आर है, और ये एक्स और ये आर है राइट। अब हम जानते हैं कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्टूडेंट रूट 3/2 होती है राइट। तो हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा रूट 3/2 r राइट, कितना जाएगा रूट 3/2 r हो जाएगा राइट। और हम जानते हैं रूट 3/2 r का मतलब होता है 1.73 डिवाइडेड बाय 2 into r राइट। स्टूडेंट ये x आ गया, हमारे पास h ही होता है, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी 1.86 राइट, कितना आएगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.866 r आएगा और ये r आएगा, सॉरी 0.66 आएगा, बिकॉज इसको डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा ना, सॉरी जीरो आएगा है ना, क्या आएगा जीरो आएगा राइट। और ये हमारे पास आर आएगा स्टूडेंट, इसको एड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.866 r। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की आवश्यकता है राइट। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जून 2015 में पूछा गया, देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल नॉन ओवरलैपिंग क्रिकेट पिचेस। स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्रिकेट पिच बनानी है, हमारे पास आपको एक सर्कल दे रखा है ना, मतलब ग्राउंड दे रखा है, जहां पे सर्कल की जो पीच है, सुनिए जो पीच है हमारे पास, ये पीच ऐसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 20 मीटर तो लेंथ होनी चाहिए और 3 इसकी क्या होनी चाहिए विड्थ होनी चाहिए ना, 3 इसकी क्या होनी चाहिए विड्थ होनी चाहिए राइट, ये 3 होनी चाहिए राइट। व्हाट कैन बी द लैड ऑफ डायमीटर 140 मीटर, आपको यहाँ पे एक 140 मीटर का डायग्राम आपको क्या दे रखा है, एक ग्राउंड दे रखा है, सर्कल ग्राउंड दे रखा है। इफ द बाउंड्री इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट 60 मीटर, सुनिए यहाँ पे आपको बाउंड्री जो है वो 60 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट, मतलब जो हमें बाउंड्री बनानी है, जो हमें बाउंड्री बनानी है उसकी रेडियस 60 मीटर होनी चाहिए, मतलब उसका डायमीटर क्या होना चाहिए 120 मीटर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सर्कल जो है 140 दे रखा है और हमारे पास जो पीच चाहिए, पीच जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 60 मीटर सेंटर से होनी चाहिए। इसमें अगर हमारी सेंटर से डिस्टेंस देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, चूंकि हमें 60 चाहिए, सेंटर से इसकी डिस्टेंस 60 होगी और हम जानते हैं ये 3 मीटर की पिच बनेगी, तो हम जानते हैं ये 1.5 होगा, तो ये कितना होगा 58.5 होगा, बोलो हाँ ना, मैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे तभी तो हमारे पास 60 होगा सेंटर से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि आपको पिच काउंट नहीं करनी क्योंकि आपको तो पिचेस बनानी है, ये बोल रहा कितनी पिच बना सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही 58.5 आ रहा राइट। तो आप पिच से डिस्टेंस देखेंगे तो 50, अगर हम एक 60 मीटर का डायग्राम, एक 120 मीटर का हम क्या करते हैं ग्राउंड लेते हैं ना, इस 140 ये टोटल बड़ा हमारे पास 140 डायमीटर का सर्कल है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं 60 मीटर रेडियस का एक सर्कल ले रहे हैं, जो ग्राउंड ले रहे हैं राइट। अब ग्राउंड ले रहे तो हमने मान लिया एक पिच बना ली, तो इस पिच में यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 58.5 होगी है ना, स्टूडेंट 58.5 होगी और हम जानते हैं ये जो पिच है 58.5 है राइट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट।
अब 58.5 है और स्टूडेंट उधर से भी हमारे पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए, उधर से भी हमारे पास जो डिस्टेंस होनी चाहिए यहां से यहां तक की, वो कितनी होनी चाहिए? 58.5 होनी चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं 58.5 और 58.5 दोनों को जोड़े हम, 58.5 और 58.5 दोनों को जोड़े हम तो कितना आता है स्टूडेंट? 58.5 और 58.5 को जोड़ते हैं हमारे पास तो यहाँ पे 117 मिलता है हमें। कितना मिलता है? 117 मिलता है। कितना मिलता है स्टूडेंट? 117 मिलता है, है ना। मतलब हम यहाँ से इस ये जो पीचेस है उसको 117 हमारे पास डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल 140 स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही? 140 आ रही। और 140 में से हम 117 को हम इधर उधर मतलब 117 को हमें रखना है रिजर्व में ताकि हमारे पास मतलब 60 का पीच बन जाए, राइट। हमें वो 117 तो रिजर्व में चाहिए ही चाहिए क्योंकि पीच को हम इधर उधर करेंगे तो 117 डिस्टेंस दोनों तरफ से हमारे पास मिनिमम होनी चाहिए। 58.5 उधर होनी चाहिए, 58.5 इधर होनी चाहिए, राइट। अब 117 को हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 23 बनेगा। और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे कितनी एक पिच की कितनी लेंथ आ रही? 3 मीटर आ रही है, राइट। तो हम इस 23 मीटर का हमारे पास स्कोप मिलेगा। इस 23 मीटर स्कोप में हम 3-3 मीटर की क्या बना सकते हैं? पिचेस बना सकते हैं। तो 3 इसको डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो आएगा इसका डिवाइड होगा तो कितना पिचेस बनेगी? 7 पिचेस बनेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया। सर्कल है 140 का, उसके अंदर हम छोटा सर्कल छोटा ग्राउंड बना रहे 120 मीटर का, है ना। 60 मीटर की रेडियस है तो 120 मीटर का, और जो पिच है वो 3 मीटर की है तो सेंटर से उसकी 1.5 हम बात करेंगे, 1.5 को हटा देंगे तो 58.5 इधर चाहिए और 58.5 का स्कोप इधर चाहिए, राइट। तो 58.5 और 58.5 करेंगे तो 117 बनेगा। टोटल 140 है, 140 में से 117 घटाएंगे तो हमारे पास जो पिचेस बनाने का स्कोप बनेगा वो 23 मीटर का स्कोप बनेगा। 23 मीटर में हम यहां पे जो बात कर रहे हैं हमारे पास 3 मीटर की हमारे पास कितनी हो रही पिचेस बन रही है ना, एक पिच 3 मीटर की बन रही है और 23 मीटर का स्कोप मिल रहा है, डिवाइड करेंगे तो 7 पिचेस बन सकती है क्योंकि 3 को डिवाइड करेगा तो 2 रिमाइंडर बनेगा और 2 में कोई पिच बन नहीं सकती, राइट। अगर यहाँ 24 होता तो हम यहाँ पे 8 पिच बना देते, राइट। सो हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे कमेंट बॉक्स के लिए, और स्टूडेंट कमेंट बॉक्स वाला वीडियो एक बार यहाँ पे आई टेप पे जाके देख लीजिए जहाँ पे मैंने ये दोनों क्वेश्चन पूछे थे, आपको समझ में आएगा, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, मैं बता दूँ सॉल्व करके, आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया आंसर और बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए। टर्टल यहाँ पे क्या दे रखा है? स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए दे रखा है। ये पॉइंट ए पे क्या कर रहा है जो टर्टल है वो क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है, ओके। ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड, ये सर्कुलर पॉन्ड है, राइट। आफ्टर स्विमिंग 4 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टूडेंट ये 4 मीटर क्या करता है? स्विम करता है, 4 मीटर स्विम करता है ना, ठीक है। आफ्टर स्विमिंग 4 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन इट हिट्स पॉइंट बी, स्टूडेंट ये बी पॉइंट को क्या करता है? हीट करता है ना, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द पॉन्ड। फ्रॉम देयर इट चेंजेस द डायरेक्शन एंड स्विम 3 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्टूडेंट ये 3 मीटर वापस क्या करता है? स्विम करता है, 3 मीटर वापस क्या करता है? स्विम करता है ना, डी पॉइंट पे आ जाता है, राइट, ठीक है ना। स्विम 3 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अराइव एट पॉइंट डी डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द पॉइंट ए, स्टूडेंट ये जो पॉइंट ए है ये डी क्या है? डायमेट्रिकली ऑपोजिट। डायमेट्रिक ऑपोजिट का मतलब ये होता है डायमीटर, ये क्या हो रहा है? डायमीटर सेंटर से पास हो रहा है, राइट, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फार इस डी पॉइंट फ्रॉम है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस इसका मतलब इसका डायमीटर कितना होगा। तो हम जानते हैं डायमीटर, जो भी डायमीटर से पॉइंट होता है वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लाई जाएगी, राइट। आपको यहाँ से डी और ए की डिस्टेंस निकाल ले तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 4 स्क्वायर दैट इज 16 और इसका स्क्वायर क्या आएगा? 9। हम जानते हैं स्टूडेंट √25 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 आएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरीके से इसको हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी, और इसके अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होने वाली है और ज्योमेट्री भी यूज होने वाली है। इसमें देखिए आप, द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डायग्राम समझने की कोशिश करिए, डायग्राम समझ आएगा क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट क्या बोल रहा है? द स्ट्रेट लाइन फॉर्म बाय द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है हमारे पास? ओरिजिन से पास होती है और 45 डिग्री पे होती है ना। देन वाई इज इक्वल टू 1 - x, ये 10th क्लास का कांसेप्ट है, x को इधर लाएंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, और इसमें डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 1 करो तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना। इसका मतलब ये x एक्सिस पे कितना कटेगा? 1, 0 पे कट करेगा, और यहाँ भी कितना कट करेगा इसमें? 0, 1 पे कट करेगा, क्लियर है। तो इसमें ये जो लाइन होगी हमारे पास कौन सी होगी? ये वाली होगी, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, मैं इसको थोड़ा अलग कलर में दिखा देता हूँ, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल है या आइसोसेलेस है, या आइसोसेलेस राइट एंगल, दोनों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर राइट एंगल पता करना है तो खैर मैं आपको थोड़ा ज्ञान एक तरीके से देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी ज्ञान दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट ये पॉइंट क्या आएगा? इसका 0, 0 आएगा, ये पॉइंट इसका 0, 1 आएगा। आपको ये पॉइंट निकालना है, तो स्टूडेंट ये पॉइंट कैसे निकालेंगे? चूंकि ये दोनों लाइन कौन सी है? एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन, राइट। तो जहाँ पर भी y है ना, जहाँ पर भी y है वहाँ पे x रख दीजिए, x रखेंगे तो ये x इधर आएगा
तो 2x, देखो y की जगह x रखोगे आप, राइट? तो x रखोगे, ये माइनस x इधर आएगा, तो 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 1 बाई 2 आएगी। तो इसमें यहाँ पे 1 बाई 2 कोमा 1 बाई 2 पॉइंट आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, राइट? अब आपको यहाँ पे मान लीजिए ये O है, ये A है और ये B है, क्लियर है? तो इसमें आपको ये चेक करना है कि यार ये राइट एंगल है या नहीं है। पहली बात तो मैं राइट एंगल की बात करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यह आइसोसेलेस है कि नहीं, तो डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे O और A की डिस्टेंस देखो, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ रही, 1 आ रही, ऑब्वियसली 1 ही आ रही। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालें, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला। स्टूडेंट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी 10th क्लास में पढ़ते हैं हम, और क्या आएगा यहाँ पे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट? तो स्टूडेंट 1 बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा, तो आप चेक करेंगे, तो 1 बाई 2 माइनस 0 तो ऑब्वियसली 0 मतलब ही नहीं, तो 1 बाई 4 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ भी 1 बाई 2 माइनस 0 तो 1 बाई 4 हो जाएगा। स्टूडेंट दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बाई 4, 1 बाई 4 कितना आएगा, 2 बाई 4, तो 2 बाई 4 का अंडर रूट निकालेंगे, है ना? तो स्टूडेंट ये 2 बाई 4 तो 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी आ रही, स्टूडेंट 1 बाई रूट 2 आ रही, क्लियर है? इसी टाइप से आप ये वाली लेंथ निकालेंगे स्टूडेंट ए से बी के, तो ये क्या आएगा, 0 से 1 बाई 2 का स्क्वायर करेंगे, मैं इसकी लेंथ भी निकाल देता हूँ यहीं पे, है ना? तो सुन देखिए आप इसकी लेंथ भी निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पे लेंथ निकाल लेता हूँ। तो 0 में से 1 बाई 2 गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 होगा। स्टूडेंट 1 में से 1 बाई 2 गया, तो 1 में से 1 बाई 2 गया तो 1 बाई 2 आता है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 4 होगा। स्टूडेंट यहाँ से भी इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा। तो स्टूडेंट ये लेंथ भी कितनी आ रही, 1 बाई रूट 2 आ रही। तो आपको ये तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया यहाँ पे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज यहाँ पे 1 बाई 2 साइड सेम आ रही है ना, 2 साइड सेम आती है, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 होता है, और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस यहाँ पे भी आ रहा है, ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है, आइसोसेलेस यहाँ भी आ रहा है राइट एंगल बट नॉट आइसोसेलेस, गलत है, ये भी गलत है। स्टूडेंट हम पहुंच गए बी एंड ए एंड बी ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ पता लगाना है कि राइट एंगल है कि नहीं। तो स्टूडेंट अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, किसी दो का स्क्वायर करने पर तीसरा आता है, देखो इसका स्क्वायर करेंगे 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई 2, और हम दोनों को ऐड करने पर 1 आ रहा है ना, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट एक तरीका और है यहाँ पे राइट एंगल चेक करने का, इसका आप क्या करिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसका स्लोप निकाल दीजिए, स्लोप निकाल के मैम कर सकते हैं आप, देखिए इसका स्लोप क्या आ रहा है, डीवाई बाई डी एक्स, वाई डैश कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पे इसका y डैश कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, राइट? तो ऑब्वियसली ये माइनस 1 एक 1 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है। तो जब भी किसी का स्लोप लाइक ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है और ऑपोजिट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल तो होगा ही होगा, है ना? तो राइट एंगल तो यहाँ से वैसे भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है? और अगर आप बात करें एक राइट एंगल है, अगर आपने राइट एंगल कंसेप्ट निकाल दिया कि ये 90 डिग्री है, स्टूडेंट अगर देखो एक और अप्रोच बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एक और अप्रोच बता रहा हूँ, है ना? चलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइन दे रखी, एक और अप्रोच बता रहा हूँ कि ये अगर हमारे को 90 डिग्री पता पड़ गया, इसमें हम जानते हैं y इज इक्वल टू जो x लाइन होती है 45 डिग्री एंगल बनाती है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 हो जाएगा बिकॉज ऑफ 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। तो एक अप्रोच इस तरीके से हम लगा सकते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, ये दोनों दिसंबर 2015 में पूछे गए, और मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखो बड़ी मेहनत के साथ हम आपके साथ काम करते हैं, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है उसमें इन दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टूडेंट्स CSIR नेट की जो प्लेलिस्ट है आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, प्लस मैथमेटिकल जो मैंने फिजिक्स है उसकी प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो आप ये भी देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरा नया चैनल जिसपे मैं भी काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट ये मेरा वो वाला चैनल जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज BSc और CSIR नेट और मैथमेटिकल फिजिक्स पर आप जाके इस चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, बाय बाय।